परिचय छात्रों इस पिज्जा को देखो क्या हम इस पिज्जा के आसपास का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ हम इस पिज्जा के आसपास का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और क्या हम वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं पुनः इसका उत्तर होगा हां क्या तुम जानते हो कि पिज्जा के आसपास के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं या वृत्त के अंदर के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं तो चलो आज हम वृत्त के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आइए शुरू करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप को परिभाषित करना वृत्त के त्रिज्यखंड खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल की गणना करना, करना वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं वृत्त के चारों तरफ की दूरी परिधि कहलाती है वृत्ति की परिधि का उसके व्यास से अनुपात अचर होता है इस अचर अनुपात को पाई से निरूपित करते हैं या परिधि बराबर पाई गुणा व्यास होता है जो कि बराबर है पाई गुणा दो आर के जहां आर वृत्त की त्रिज्या है जो बराबर है दो पाई आर के पाई एक अपरिमय संख्या है जिसका दशमलव के पंद्रहवें स्थान तक मान तीन दशमलव एक चार एक पाँच नौ दो छह पाँच तीन पाँच आठ नौ सात नौ इत्यादि है सामान्यतः हम कहते हैं कि पाई लगभग तीन दशमलव एक चार के बराबर होता है वृत्ति के अंदर के स्थान को उसका क्षेत्रफल कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग होता है जहां आर वृत्त की त्रिज्या है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण एक, एक वृत्तीय फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हल हम जानते हैं कि परिमाप दो पाई आर होता है मान रखकर गणना करने पर हमें परिमाप छप्पन दशमलव पांच चार आठ सात मीटर प्राप्त होता है अतः फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल छप्पन दशमलव पांच चार आठ सात मीटर है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण दो यदि वृत्त की त्रिज्या आठ सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हल हमें त्रिज्या ज्ञात है जो कि आठ सेंटीमीटर है वृत्त के परिमाप का सूत्र प्रयोग करते हुए जो कि पी बराबर दो पाईआर है हमें परिमाप पचास दशमलव दो तो चार सेंटीमीटर प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए गुणसूत्र ए बराबर बाईआर का वर्ग होता है अतः हल करने पर हमें क्षेत्रफल दो वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का उदाहरण तीन बैलगाड़ी के पहिये की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है यदि पहिया एक बार घूमता है तो बैलगाड़ी कितनी दूर चलेगी हल यदि पहिया एक बार घूमता है तो बैलगाड़ी पहिए के परिमाप जितनी दूरी तय करेगी चरण एक हम जानते हैं कि परिमाप बराबर दो पाई आर होता है अतः हल करने पर हमें तीन दशमलव आठ सेंटीमीटर प्राप्त होगा अतः बैलगाड़ी पहिए के एक चक्कर में तीन दशमलव आठ सेंटीमीटर चलती है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के मुख्यतः दो खंड होते हैं पिज्जा खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं और जीवा द्वारा बनाए गए खंड को वृत्त खंड कहते हैं हम त्रिज्य खंड के कोणों का संपूर्ण वृत्त के कोणों से तुलना करके इसका ज्ञात कर सकते हैं वृत्त में एक कोण दो पाई और क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है अतः थीटा कोण दो पाई के स्थान पर वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अवश्य ही थीटा बटे दो पाई गुणा पाई आर वर्ग होना चाहिए जो कि थीटा बटे दो गुणा आर वर्ग के रूप में सरल किया जा सकता है त्रिजे खंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा गुणा आर वर्ग है जब थीटा रेडियन में हो त्रिजे खंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा गुणा पाई बटे एक सौ अस्सी गुणा आर फर्क है जब थीटा डिग्री में हो चाप की लंबाई इसी प्रकार चाप एक त्रिज्यखंड या वृत्तखंड की लंबाई होती है एल बराबर थीटा गुणा आर जब थीटा रेटियन में हो बराबर थीटा गुणा पाई बटे एक सौ अस्सी गुणे आर जब थीटा डिग्री में हो एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिकोणीय भाग को निकाल देने से प्राप्त होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा घटा थीटा गुणा आर वर्ग जब थीटा रेडियन में हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा गुणा पाई बटे 180 घटा घटा थीटा गुणा आर फर्ग जब थीटा डिग्री में हो एक वृत्त के वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का उदाहरण एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है संदर्भित भाग का क्रमशः क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक लघु वृत्ति खंड दो दीर्घ वृत्तिखंड जब पाई बराबर तीन दशमलव एक चार है आइए इसे हल करते हैं कल्पना कीजिए कि ए बी जीवा है जो वृत्त के केंद्र ओ पर नब्बे डिग्री का कोण अंतरित करती है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ बी बराबर 360 डिग्री घटा नब्बे डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग बराबर 270 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग है अतः गणना करके हल करने पर हमें 235.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ओ ए बराबर नब्बे डिग्री बटे तीन सौ साठ डिग्री गुणा पाई आर वर्ग है अतः गणना करके हल करने पर हमें अठहत्तर पांच वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्य खंड ओ का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर अठहत्तर दशमलव पांच घटा पचास बराबर अट्ठाईस दशमलव पांच सेंटीमीटर वर्ग है उदाहरण 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल हल वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर है दिए गए चाप द्वारा अंतरित कोण बराबर 60 डिग्री है हम जानते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड खंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री गुणे दो पाईआर है अतः चाप ए सी बी की लंबाई 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे दो गुणे बाईस बटे सात गुणे इक्कीस होगी जो कि 22 सेंटीमीटर के बराबर होगी त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर का वर्ग है जो कि हल करने पर 231 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा त्रिभुज OAB बी में कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के कोण ओ ए बी जमा कोण ए बी जमा कोण ओ बी ए बराबर एक सौ अस्सी डिग्री है दो कोण ओ ए बी जमा साठ डिग्री बराबर एक सौ अस्सी डिग्री है कोण ओ ए बी बराबर साठ डिग्री है अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल तीन बटे चार गुणा भुजा के वर्ग के जो कि गणना करने पर 441 वर्गमूल तीन बटे चार वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा वृत्तखंड ए सीबी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है अतः वृत्तखंड ए सीबी का क्षेत्रफल दो सौ इकतीस घटा चार सौ इकतालीस वर्गमूल तीन बटे चार वर्ग सेंटीमीटर है एक वृत्त के वृत्ति खंड और त्रिज्यखंड खंड के क्षेत्रफल का उदाहरण एक छाते में समान दूरी पर आठ तीलियां हैं छाते को पैंतालीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानकर उसकी दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हल छाते में आठ तीलियां हैं दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल काल्पनिक चपटे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बटे आठ बराबर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षेत्रफल 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाईआर वर्ग के बराबर है अतः हल करने पर हमें यह बाईस हजार दो सौ पिछहत्तर बटे अट्ठाईस वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात करना सीख लिया है अब हम समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों यानी कॉम्बिनेशंस के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आओ कुछ उदाहरणों को हल करें उदाहरण दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्याएं क्रमशः सात सेंटीमीटर और चौदह सेंटीमीटर हैं तथा कोण एओ सी बराबर चालीस डिग्री है इसे हल करने के लिए पाई बराबर बाईस पटे सात का उपयोग करते हैं हल आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है बाहरी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्य खंड ओ के क्षेत्रफल घटा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के अतः गणना करके हल करने पर हमें ये एक सौ बटे तीन सेंटीमीटर वर्ग प्राप्त होगा समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल उदाहरण चार सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का चतुर्थांश और दिए गए चित्र के अनुसार दो सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है वर्ग के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हल प्रत्येक चतुर्थांश एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का नब्बे डिग्री का त्रिज्य खंड है प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा नब्बे डिग्री बटे तीन सौ साठ डिग्री पाई आर वर्ग के जो कि हल करने पर बाईस बटे अट्ठाईस वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के वर्ग अर्थात सोलह वर्ग सेंटीमीटर है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाईआर वर्ग अर्थात बाईस बटे सात वर्ग सेंटीमीटर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा चार गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल गणना करके हल करने पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल अड़सठ बटे सात वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा क्या आप जानते हैं वृत्त एक शंकु के लंबवत तल को काटने से बना शंकु भाग होता है वृत्त का प्रयोग किसी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र या वृत्तीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं वृत्त की त्रिज्या वक्र के किसी बिंदु और वृत्त को मिलाने वाला एक रेखा खंड होती है इस पथ का प्रयोग इस खंड वृत्तखंड की लंबाई आर के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है यानी वक्र के सभी बिंदुओं से केंद्र की समान दूरी एक वृत्त एक बहुभुज में अंतर्वृत्त कहलाता है यदि बहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की स्पर्श रेखा हो एक वृत्त किसी बहुभुज के बहिवृत्त कहलाता है यदि बहुभुज का प्रत्येक शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तो वृत्त दो वृत्ति की परिधि दो पाईआर होती है वृत्ति का पाई आर वर्ग होता है थीटा कोण और आर तेज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 सौ साठ गुड़न दो पाई आर होती है थीटा कोण और आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 सौ साठ गुणन पाई आर वर्ग होती है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है